सो हे गाइज, वेलकम बैक टू फ्री एरा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में। तो आज की वीडियो में बात करने वाली है देसी गेमर और जोंटी भाई के बीच में क्या चीजें सॉल्व हो चुकी है, और इसके अलावा बात करेंगे अनग्रेजुएट गेमर काफी ज्यादा गुस्सा थे फ्री फायर के ऊपर में, एंड वो एक्सपोज वीडियो भी ला सकते हैं। और इसके अलावा फ्री फायर कम्युनिटी के काफी बड़े बड़े यूट्यूबर्स को एक्सपोज किया गया है। तो सब कुछ वीडियो में बताने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। और आज की वीडियो का लाइक हम रखते हैं केवल 2000 लाइक का, तो भाई फटाफट से कम्प्लीट कर दो। तो चलिए आज की हमारी पहली अपडेट के बारे में बात ले चुके हैं जोंटी भाई और देसी गेमर के बारे में। तो अगर आपको याद है, मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया था कि जोंटी भाई थोड़े से नाराज थे देसी गेमर से, मे भी शायद उनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो अभी शायद वो मैटर सॉल्व हो चुका है। जोंटी भाई अपनी स्टोरी पर कहे, कल एक रील डालूंगा, या आप कह सकते हो मेरे लिए वो रील नहीं है, एक इमोशनल मोमेंट है। आफ्टर सो मेनी इयर्स मैं अपने बड़े भाई से मिला, कल वेट करो। इसके बाद में जोंटी भाई अपने इंस्टाग्राम के ऊपर में रील अपलोड किए, जहाँ पर वो देसी गेमर के बारे में बात किए। देसी गेमर के साथ एक दिन देखो, मेरा दिल करता है, बहुत दिल करता है। मैं उनका अभी वर्ल्ड कप वाला वो देख रहा था, आज भी मैं उनकी प्रोफाइल देख रहा था इंस्टाग्राम पे। अच्छा लगता है, मजा आता है। पूरा बहुत पुराना भाई है वो, मेरा बड़ा भाई है वो। बंदे ने मेरे को जो हेल्प करी है ना, शायद ही किसी ने, क्योंकि जब मेरा बहुत देखो वो कभी ऐसा जताएगा नहीं। उस बंदे ने इनडायरेक्टली बहुत हेल्प करी है, मतलब जब रिसीवर नहीं भी था तब मैं उसी बंदे से बात करता था। और इसके बाद में अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर इसी रील को शेयर करते हुए लिखे, फाइनली सब ठीक हो गया अमित भाई के साथ में, एक लाइक जरूर करना। तो इससे आपको पता चला गया होगा शायद उनके बीच में पहले कुछ चीजों को लेकर के चीजें सही नहीं थी। और इसी मैटर के बारे में देसी गेमर भी अपनी लाइव स्ट्रीम के ऊपर में बात किए थे, एंड बात करते हुए कुछ ये कहे, अमित भाई जोंटी भाई के साथ कॉलैब कब होगा? प्रेजेंट सर, अरे सर भी देवांश, वेलकम टू द स्ट्रीम। खेलते हैं जोंटी भाई के साथ, मैं मिला था गाइस कुछ दिन पहले, एंड जोंटी भाई के साथ अभी यार जिस दिन फ्री फायर वापस आ जाएगा, जोंटी भाई भी वापस आ जाएगा, डोंट वरी गाइस, लाइव पे होगी। ओके खेलेंगे खेलेंगे, ऐसा कोई बात नहीं यार, ऐसे कोई हमारी दुश्मनी नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं, हम भाई भाई है, भाइयों में होते रहता है अप्स एंड डाउन्स, कभी कभी मिलते हैं, कभी कभी अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं। अब मेरी शादी हो चुकी है, वो अभी बैचलर है, कुछ दिन बाद उनकी भी शादी हो जाएगी, वो भी अपनी लाइफ में थोड़े से बिजी हो जाएंगे, होते रहता है भाई अपने। तो भाई आप इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे, अपने ओपिनियन वगैरह कमेंट में बता सकते हो। बाकी इसके अलावा बात लेते हैं अनग्रेजुएट गेमर यानी कि यूजी आयुष के बारे में। तो यूजी आयुष अपने चैनल के ऊपर में एक चीज को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा थे, तो यहाँ पर वो बात की फ्री फायर के बारे में, फ्री फायर इंडिया डिले को लेकर के। तो गरेना है एक नंबर की गधी कंपनी, लेकिन गाली नहीं दे रही है, ठीक है। कल भी सेम इशू था, आज भी सेम इशू है, कभी अपने अपने प्लेयर्स के लिए कुछ कर ही नहीं सकते भाई। अब मेरे को, हम लोगों को, हमारी स्क्वाड को इतनी हो रही है, एक तो भाई नॉर्मल प्लेयर्स को कितनी प्रॉब्लम्स होती होंगी भाई। मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई कोई इवेंट में मैं इनवाइटेड हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ कुछ पिछले बीते दिनों में ऐसा किया है, कुछ ऐसा हुआ है जिससे मेरा भरोसा उठ गया है कुछ लोगों से, ठीक है। शायद आगे कुछ भसड़ होती है तो मैं नाम भी लूँगा उनका, ठीक है। तो मेरा सच्चा भरोसा उठ गया है। और ये 5 अगस्त वाला क्या सीन है मेरे को कसम से नहीं पता। आप पीएस ऋतिक को सपोर्ट कर रहे हो? हाँ, जो हुआ तो बोल रहा है गेम आना चाहिए, वो गेम आना चाहिए भाई। जो ऋतिक बोल रहा है कि गेम आना चाहिए, तो गेम तो आना चाहिए, बहुत टाइम हो गया, 3 साल हो गए। तो चलिए हमारी अगली अपडेट के बारे में बात ले चुके हैं वीआर गेमर के बारे में। तो वीआर गेमर अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किए, जहाँ पर वो कुछ यूट्यूबर्स के बारे में बात किए, एंड यहाँ पर वो रिसेंट मैटर के बारे में बात किए, जो भी फ्री फायर के अगेंस्ट में बड़े यूट्यूबर्स ने आवाज उठाई थी। तो जहाँ पर वो बात की, कुछ ऐसे यूट्यूबर भी थे जिन्होंने साथ नहीं दिया, ना ही अपना कोई ओपिनियन रखा इस मैटर के ऊपर में। तो अदर्स कंट्रीज की तरह हमारे इंडिया में भी फ्री फायर के बड़े बड़े स्पोर्ट टूर्नामेंट हो, आप लोग फ्री फायर इंडिया देखना चाहते हो, फ्री फायर सपोर्ट करते हो, क्योंकि आप फ्री फायर के एक रियल प्लेयर। चल बस, लायक है क्या? लेकिन अगर ये फेक यूट्यूबर्स अगर रियल फ्री फायर प्लेयर होते तो ये भी हमारे साथ खड़े होते, अगर ये रियल फ्री फायर प्लेयर होते तो ये भी फ्री फायर इंडिया के लिए स्टैंड ले रहे होते, अगर ये फ्री फायर के एक ट्रू प्लेयर होते तो ये भी चाहते कि अदर्स कंट्रीज की तरह इंडिया में भी फ्री फायर के बड़े बड़े ई स्पोर्ट टूर्नामेंट हो। लेकिन ना ही ये रियल फ्री फायर प्लेयर है, ना ही एक ये रियल इन्फ्लुएंसर है, दे आर जस्ट मनी मेकर्स फेक यूट्यूबर्स। और सच बताऊं, मुझे किसी और यूट्यूबर से बिल्कुल उम्मीद भी नहीं है, लेकिन ज्ञान भाई, अज्जू भाई, अमित भाई, राजस्टार, मुझे बस इन चारों उम्मीद है कि ये फ्री फायर इंडिया के लिए स्टैंड लेंगे, ये फ्री फायर इंडिया को सपोर्ट करेंगे, और अगर ये स्टैंड लेंगे तो शायद हम लोगों को जरूर कंफर्मेशन देखने को जल्दी ही मिलेगा। तो चलिए हमारी अगली अपडेट के बारे में बात ले चुके हैं गेमिंग ओरा के बारे में। तो गेमिंग ओरा अपने चैनल पर लाइव थे, जहां पर बात किए क्या सीएस रैंक में पुश करने पर आईडी बैन हो रही है अभी। सीएस रैंक, हां यार सीएस रैंक पुश करनी है आज यार,
आज भाई मैं बंदे पता है मुझे बहुत सारे बंदे बोल रहे हैं, रुक जा स्टार्ट करने से पहले गाइस मुझे बहुत सारे ना क्रिएटर्स बोल रहे हैं कि गरीना फ्री फायर गलत कर रही है और वो क्या कर रहे हैं ना, जो ज्यादा रैंक पुश कर रहा है उनकी आईडी को ब्लैकलिस्ट कर दे रहे हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट द ब्लैकलिस्टिंग थिंग, पर ऑफ कोर्स मैं आज रैंक सिस्टम में ज्यादा मैच जीत रहा है, ज्यादा मैच जीत रहा है जो लगातार जीतेंगे आज हम। मैं आज भाई आज मैं तब तक भाई खेलूंगा जब तक मेरी आईडी बैन नहीं हो जाती, जब तक मेरी आईडी गरीना फ्री फायर बैन नहीं हो जाती। तो चलिए हमारी अगली अपडेट के बारे में बात ले चुके हैं रोकी भाई के बारे में। तो रोकी भाई अपने चैनल पर लाइव थे जहां पर बात किए फेक वॉचिंग को लेकर के, यानी कि बोट वॉचिंग के बारे में। कुछ लोग उनको ये बोलते हैं कि शायद वो अपने चैनल के ऊपर में बोट वॉचिंग यूज करते हैं। ओके मैन, व्हाट इज गोइंग ऑन योर चैनल? एक टाइम पे 40-50 हजार की वॉचिंग आती थी डेली स्ट्रीम पे, अब ये इलॉजिक क्या आता था तब, अब ये इलॉजिकल गेम छोड़ दिया। बहुत सारा प्यार रॉकी मामू। सर जी मेरे तो 50 हजार की जगह अब 3 हजार लोग देखते हैं, उसमें भी कुछ लोग ऐसा बोलते हैं रॉकी भाई बॉट वॉचिंग तो नहीं लगा। भाई जब 50 हजार में नहीं लगाया तो भाई 1000, 2000, 3 हजार में क्या ही लगा लूंगा मैं, अजीब है लोग। चलो कोई बात नहीं, चलता, इट्स ओके। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही, मिलता आपको अगली वीडियो में ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।